नमस्कार, मैं कबीर और आप देख रहे हैं छपरा टुडे। कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अपने देश में 107 संक्रमित लोग पाए गए हैं। अब तक 10 लोगों को ठीक भी कर लिया गया है, वहीं 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। हमारे साथ छपरा शहर के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर यूके पाठक सर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका छपरा टुडे पर। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, जो भ्रांतियां फैल रही हैं फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, कि जो कोरोना वायरस है इन इन चीजों को लेकर के हो रहा है और लोग बहुत डरे हुए हैं, क्या कहेंगे सर? लोग खामखा इसमें डरे हुए हैं। ये एक वैसे कोरोना वायरस पर मैं बता दूं कि ये एनिमल से ह्यूमन में आया है, अब ये ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेडिंग हो रहा है। सिंपल इसका फीचर फ्लू की तरह है और इसकी मोर्टिलिटी भी 3% या 3.5% है। कहने का तात्पर्य है कि 80% लोग इस पर ठीक हो जाते हैं, लेकिन ये व्हाट्सएप सोशल मीडिया में इतना ज्यादा इसको पैनिक कर दिया गया है कि लोग बहुत डर गए हैं। ये सिंपल फ्लू है और इसका बचाव, इसका अच्छे से बचाव करना ही इसका सबसे बड़ा इलाज है। सर, इसके क्या लक्षण है? इसके लक्षण जो जिस तरह फ्लू में सर्दी खांसी बुखार जो कॉमन फ्लू के लक्षण, तो सेम लक्षण यही है। इसमें कुछ खास लक्षण और है, जैसे सर्दी खांसी बुखार हो जाएगा, गले में दर्द, खराश, घुटने में दिक्कत होगी, सीने में सांस लेने में तकलीफ होती है, हाई फीवर हो जाता है। ये सब फ्लू के लक्षण है। इसमें कोरोना वायरस अगर आप इफेक्टेड हैं उसमें भी लक्षण है और इसका घबराने की जरूरत, जब कोरोना वायरस का इफेक्टेड हो गए हैं तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ये ठीक हो जाता है केसेस। हाँ, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम है जो डायबिटिक हैं, जो एल्डरली हैं, जो एज ज्यादा है, जो क्रॉनिक किडनी के पेशेंट हैं, क्रॉनिक मतलब डायबिटिक हैं, उनको खास प्रिकॉशन देना पड़ता है आईसीयू में। अभी तक जो भी केसेस हुए हैं, जैसे इंडिया में 2 लोग गुजरे हैं, वो मोर देन 75 उनका, अब वो भी डायबिटिक से पीड़ित रहे हैं, आईसीयू में थे। सर, इन दिनों जो मौसम है बिहार का वो भी काफी बदला है और इन मौसम में सर्दी खांसी बुखार आम रहता है, तो उसको लेकर के लोग बहुत ज्यादा भ्रमित हैं कि जो सर्दी खांसी हो गया है तो कोरोना वायरस ही हो गया है, उन लोग क्या कहेंगे? कहने ही आज सिंपल फ्लू है, जिसको भी थोड़ी भी खांसी हुई या सर्दी हुआ वो डर जा रहे हैं कि कहीं हमको कोरोना वायरस तो कहीं नहीं हो गया। सिंपल फ्लू हो गया है तो जैसे फ्लू का 2-2.5 दिन में बात वेट एंड वॉच कीजिए, अगर आपको सर्दी खांसी हो रहा है तो वेट एंड वॉच कीजिए, और जिसको सर्दी खांसी हुआ है उसको कम से कम मास्क दे दीजिए, कहीं उसको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो तो वो कम से कम खांसे तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन किसी दूसरे को नहीं हो, तो वो प्रिकॉशन लेना है और 2-3 दिन उसको वॉच करना है। अगर कोरोना वायरस उसको नहीं है तो सिंपल फ्लू के ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगा वो। सर, अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो क्या कैसे बच सकते हैं? अगर परिवार में किसी को अगर पॉजिटिव पाया गया, कोरोना वायरस अगर पॉजिटिव पाया गया है, तो फिर अन्य सदस्य जो हैं वो बहुत ज्यादा घबराए या फिर उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, अगर घर में किसी को कोई बाहर से टूट करके आए या कहीं किसी सरफेस से टच करके या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू उसको कोरोना वायरस अगर हो गया है तो घर वाले घबराए नहीं। अगर जो इन्फेक्टेड आदमी है या जिसको सर्दी खांसी बुखार है तो उसको मास्क जरूर पहना है और प्रिकॉशन के तौर आप भी मास्क पहन लें। उससे फायदा क्या, इससे प्रिवेंशन का सबसे उपाय ये है कि कोरोना वायरस में जो खांसी होती है तो जो खांसने का जो बाउट जो थ्रो करता है, जो ड्रॉप निकलते हैं गले से, जो तो वो मैक्सिमम 2 मीटर से ज्यादा नहीं जाते हैं। तो अगर आप दूरी बनाए रखेंगे घर उस पेशेंट से और मास्क पहने रहेंगे और तो दूसरे को इन्फेक्शन की संभावना बहुत कम है। मेन जनरली होता क्या है कि कोरोना वायरस का पेशेंट है, अगर वो खांसता है तो उस तुरंत उसके पास है एयर में 1-2 घंटा रहता है, पास से कोई गुजर रहा है तो वैसे एयरबोन डिजीज नहीं है तो उससे ड्रॉपलेट के थ्रू उसको हो सकता है, या वो खांसा तो सरफेस पर जैसे कुर्सी हुआ, हाथ हुआ, क्लॉथ हुआ, कहीं पर वो उसका इन्फेक्शन वो खांसी के द्वारा जो ड्रॉपलेट
वहां सरफेस पर आ गया, दूसरा कोई व्यक्ति उसको टच करता है, और उस टच करने के बाद अगर वो नाक मुंह छूता है तो उसको इन्फेक्शन का चांसेस मतलब उसको हो जाता है। तो मेन प्रिकॉशन ये लेना है कि आप अपना हाथ हमेशा 20 मिनट तक धोते रहें, साबुन से खूब साफ रखें, कपड़ा अच्छे से धोकर उसको धूप में सुखाएं। हैंड सैनिटाइजर है, मार्केट में बहुत सारे आ गए, तो नकली भी आ रहे हैं, उसमें यही देखना है जो 90-60% से हो जिसमें अल्कोहल कंटेंट हो वो ज्यादा फायदा करता है। बेसिकली वो भी नहीं है तो आप खाली साबुन से हाथ हर आधे घंटे पर धोते रहें, और कोशिश आदत ये बनाए कि अपने हाथ को नाक या मुंह से हाथ को टच नहीं करें। जब भी आपको बहुत ज्यादा नाक में खुजली या कुछ करना है तो पहले हैंड सैनिटाइजर या साबुन से हाथ धो लें, फिर आप नाक मुंह टच करें। और उस पेशेंट को अगर कोरोना वायरस उसको अगर सर्दी खांसी हाई फीवर है और उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, गले में खराश ज्यादा हो गई है, तो जहां कलेक्शन सेंटर बने हुए हैं इंडिया में, जैसे या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या पटना पीएमसीएच में, जहां कलेक्शन सेंटर, उसके ब्लड का सैंपल दे दीजिए और उसको सिम्टोमेटिक वेट एंड वॉच कीजिए। पेशेंट अगर बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है तो उसको नॉर्मल ट्रीटमेंट उसको दीजिए, अगर पॉजिटिव आता है तो फिर उसको फर्दर आइसोलेशन, कंप्लीट आइसोलेशन में कर दीजिए, और जो प्रिकॉशन बताएं दूरी बनाए रखें, हाथ मास्क किए रखें, गर्म पानी में डाल के गरला करें। सर एक और भ्रांति जो लगातार फैल रही है कि अल्कोहल पीने से कोरोना वायरस नहीं होगा या जल्द ठीक हो जाएगा, या फिर मुर्गा खाने से कोरोना वायरस हो रहा है, उसके लिए क्या कहें? ये सब गलत भ्रांतियां हैं, अल्कोहल से या मुर्गा खाने से इसका कोई संबंध नहीं है। हाँ, चूंकि इसलिए लोग डरे हुए हैं कि चूंकि जानवर से ये ह्यूमन में आया है, तो प्रिकॉशन यही लेना है कि मुर्गा को खाना है तो मुर्गा को अच्छे से पका के खाएं, अधकच्चा ना खाएं, बस ये प्रिकॉशन लेना है। अदरवाइज अल्कोहल से या मुर्गा खाने से कोरोना वायरस ऐसे कोई ऑथेंटिक ना रिपोर्ट है, ये भ्रांति है, ये सोशल मीडिया का फैला हुआ है जिससे लोग पैनिक हो गए हैं। सर एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, जो लोग जानना चाह रहे हैं कि बिहार सरकार ने भी 31 मार्च तक सभी सार्वजनिक स्थान, स्कूल, कॉलेज सबको बंद कर दिया है, वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी अपने देश में इमरजेंसी लागू किया है, और भी वायरस पिछले सालों में आए हैं, मगर इस वायरस से और अन्य वायरसों से इस पर ज्यादा पैनिक देखने को मिल रहा है, तो अन्य वायरसों से क्या ये बहुत ज्यादा खतरनाक है जिससे ज्यादा प्रिकॉशन अन्य देश भी ले रहे हैं और हमारे यहाँ भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने भी लिया है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जो गवर्नमेंट प्रिकॉशन ली है। इसका वजह यह है कि मान लीजिए हम आप जानकारी है या अवेयरनेस बहुत जगह क्रिएट नहीं है, कोई बाहर से टूट करके आ रहा है उसको कोरोना वायरस हो गया है, वो या तो बच्चा कोई है स्कूल में जा रहा है या लोग पढ़ने जा रहे हैं या किसी इवेंट में जहाँ गैदरिंग है वहां पर कोई एक आदमी अगर कोरोना वायरस पॉजिटिव केस चला जाता है, अगर वहां खांसता है या छींकता है वो, तो उससे जहां क्राउड में 50-100 लोग हैं तो एक साथ 50-100 लोगों को स्प्रेड हो सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट ये प्रिकॉशन ली है कि कम से कम क्राउड वाले जगह पर को बंद किया जाए, स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, सिनेमा हॉल हुआ, मॉल हुआ, जहां पर 10-20-50 आदमी की जहां पर एकत्र होते हैं वैसी जगह को एकदम बंद कर दिया गया कि वहां पर लोग जुटे नहीं, ये प्रिकॉशन के तहत लिया गया है। कौन इसलिए लिया गया, मान लीजिए किसी क्राउड में कहीं आप सिनेमा हॉल में जा रहे हैं 200 आदमी उसमें बैठे हुए, कोई उसमें कोरोना वायरस का कोई पॉजिटिव केस उसमें बैठा हुआ, वो भी पिक्चर देख रहा है, तो उसको सर्दी खांसी हुआ है, उसको बहुत लाइटली लिया है, अगर वो खांस रहा है तो कुर्सी पर या एयर में अगल बगल में आदमी हाथ टच करेगा, मुंह हाथ को भी टच करेगा तो वो इफेक्टेड हो जाएगा, तो दूसरा इफेक्टेड हुआ उसके चलते समझे तो पूरा हॉल इफेक्टेड हो जाएगा। इसीलिए सरकार ने ये मेजर कदम उठाया है कि कोई भी कहीं भी कोई क्राउड ना हो और उससे बचा जाए, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये सब जगह बंदी किया या पूरे वर्ल्ड में इस पाबंदी लगाई गई है, फ्लाइट वगैरह कैंसिल हो गए हैं, ट्रेन वगैरह आपके लिए बहुत सारी ट्रेन भी कैंसिल हो गई है, वो कोई भी गैदरिंग वाली जगह उसको गवर्नमेंट करिए अवॉइड करा रही है।
जी सर, एक चीज और जानना चाहेंगे कि जब से ये वायरस आम लोगों तक पहुंचा है, लोगों तक इनकी जानकारी हुई है, तब से मास्क बाजारों में मिलना बंद हो गए हैं, सैनिटाइजर नहीं मिल रहे हैं, तो क्या मास्क पहनने से नहीं होगा कोरोना वायरस? देखिए, जैसे हमने पहले ही बताया कि जब कोई कोरोना वायरस पॉजिटिव जो केस होता है, जब वो खांसता है तो 2 मीटर तक उसका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन तक जाता है। अगर आप उस पेशेंट को मास्क का पहना देंगे, वो खांसेगा तो कम से कम वो मास्क ही में रहेगा, वो कोई नजदीक खड़ा है उसके पास नहीं जाएगा। तो जिसको जो पॉजिटिव केस है उसको तो मास्क पहनना बहुत ही जरूरी है। वैसे मास्क के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, वो लोग N95 मास्क लोग कहते हैं पहनने के लिए, यूज करने के लिए। बेसिकली वो N95 मास्क वो हेल्थ वर्करों के लिए है जिसको 24 आवर काम करना है, हम आप उसको बहुत ज्यादा नहीं पहन सकते हैं। सर्जिकल मास्क भी आप पहन रहे हैं तो उससे भी प्रिवेंशन किया जा सकता है। अगर मास्क नहीं मिल रहा है तो आप कम से कम रुमाल भी बांध लीजिए, उससे भी आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं। सर एक चीज आप लोगों को बताए पूरे दर्शकों को कि किस तरीके से जो भ्रांतियां लोगों के मन में है, किन चीजों को ज्यादा अपनाएंगे तो इससे बचा जा सकता है। फिलहाल ऐसा है कि बिहार में अब तक कोई भी पॉजिटिव केस नहीं पाया गया, ये अच्छी की बात है, लेकिन कौन ऐसी चीज है जिसको ज्यादा अपनाएं जिससे आसानी से बचा जा सकता है? मैं छप्रवासियों से मैं ये आग्रह करूंगा कि इससे एकदम डरने की जरूरत नहीं है। इसका अभी तक कोई वैक्सीन नहीं निकला है, कोई मेडिसिन नहीं निकला है। इसका मेडिसिन वैक्सीन निकल जाएगा उसमें 6-7-8 महीने 10 महीने समय लगेगा। जिस तरह स्वाइन फ्लू आया था उसको भी 7 महीने 8 महीने में उसकी वैक्सीन आ गई थी, उसको भी कंट्रोल पाया गया था। इस वायरस पर को का इलाज, सबसे बड़ा इलाज है कि आप प्रिवेंटिव मेजर जो इसके हैं, इसका बचाव का जो तरीका है उस पर अमल कीजिए, आप कोरोना वायरस से आराम से बच सकते हैं। जैसे आप हर आधे घंटे पर 1 घंटे पर खूब अच्छी तरह से हाथ को साबुन से धोइए, 20 मिनट तक धोइए, किस 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, भीड़ वाली जगह पर न जाइए, बहुत जरूरी हो तो घर से बाहर निकलिए बिना आवश्यकता ऐसे जहां तक मत घूमिए, और गर्म पानी में नमक डाल के गरारा कीजिए। इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है, जितने सफाई से साफ रहेंगे उतना ही आप कोरोना वायरस से बचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ छपरा के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर यूके पाठक सर, जो बता रहे थे कि कोरोना वायरस अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके बचने के उपाय सर ने बताया। और मैं आपको बताऊं कि सबसे अच्छा तरीका जो है सर ने जो बताया कि अब हाथ धोएं, समय समय पर हाथ धोएं, जो खांसी है छींक है, अगर आपको सीजनली भी अगर बुखार खांसी हो रहा है तो चिकित्सकों के परामर्श से आप वैसे सेंटर पे जाएं जहां पे आप अपना जांच करा सकें। छपरा टुडे के लिए कबीर की रिपोर्ट।